भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है वाराणसी काशी क्षेत्र में। जैसा कि एक मामला चल रहा है बहुत तेजी से, रेणु गौड़ हत्याकांड मामला लगातार देखा जाए तो उसमें कई दिन से मामले चले कमिश्नर से लेके DM कार्यालय तक वाराणसी में। उसी पर्पज में आज हम आए हुए हैं। आज हमारे साथ में है अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी धनंजय कश्यप जी, जो कि लगातार इन्होंने उस मुद्दे को उठाया, और इनके साथ में साधना गौड़ जी थी जो लगातार उन्होंने साथ में रह के उस मुद्दे को काफी हाईलाइट किया। लगातार देखा जाए तो पेपर और मीडिया के माध्यम से काफी हाईलाइटेड मामला रहा। तो हम जानना चाहेंगे कि लगातार आपने इस बड़े मामले को, आप वहां से उस मामले को कमिश्नर ऑफिस तक लेके गए, क्या मामला रहा रेणु गौड़ हत्याकांड? देखिए, मामला बेहद संवेदनशील है, ठीक है। वो प्रशासन की नेपापोती के माध्यम से ये मामला ऐसा था कि 15 जुलाई की घटना है और 25 तारीख तक कोई उसमें FIR नहीं लिखी गई। पुलिस प्रशासन ने उसको आत्महत्या या चोरी करते हुए गिरने का कारण बताया था, जो गलत है, बिल्कुल टोटली गलत है। अब आप समझ लीजिए कि 45 फुट बिल्डिंग, 4 तल्ले ऊपर से अगर कोई महिला गिरती है, उसके ब्लड से, मतलब उसके बॉडी से एक ब्लड का रक्त भी नहीं गिरे या खून का एक बूंद भी नहीं गिरे, ये संवेदनशील बनाता है इस मामले को। इसमें प्रशासन ने वहाँ का जो जयपुरा के SHO साहब हैं उनके द्वारा बहुत लिपापोती हुई इस मामले को लेकर। जी, कैसे पता चला कि ये मामला इस तरीके का है और कैसे आप वहाँ पे पहुँचे? नहीं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री जी ने हमको अवगत कराया कि इस टाइप का मामला है, आप लोग इसको संज्ञान लीजिए। हमने त्वरित, हमारी टीम थी पूरे मोर्चे के सारे वाराणसी महानगर क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता थे मौके पर विजिट किया, और विजिट करने के बाद मैंने हमारी टीम शीर्ष नेतृत्व ने एक रिपोर्ट तैयार की थी कि जो जो पॉइंट हमको थोड़ा संवेदनशील लगा था मैंने उसको नोटिस करते हुए हम लोग सूचीबद्ध किए थे, हमारी टीम ने सूचीबद्ध करते हुए हम लोग उस मामले को लेकर मौके पहुंचे और हमको संवेदनशील लगा। तुरंत हम लोग कमिश्नर साहब से हम लोग मिले, उनको पूरे प्रकरण से अवगत कराया, उन्होंने हमारी बात को संज्ञान लेते हुए तुरंत मौका विजिट किया। मामला उनको भी संवेदनशील लगा, उन्हीं के पहल पे हम लोग के दबाव से जाकर के 26 तारीख 10:30 बजे रात को FIR दर्ज हुआ। बिल्कुल, FIR दर्ज होने के बाद फिर इसके बाद देखा कि 2 दिन के बाद एक कैंडल मार्च निकला, फिर इसके बाद फिर आप लोग कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, क्या मामला रहा फिर? नहीं, कैंडल मार्च पूरी टीम और अखिल भारतीय एक संगठन है उनके द्वारा और मोर्चे के द्वारा संयुक्त इस टाइप पे निकला। इसमें सभी कार्यकर्ता थे, सबका सहयोग है, व्यक्तिगत मेरा उसमें रोल नहीं है, सारे लोगों ने उसमें सपोर्ट किया। वो हम लोग एक प्रशासन की रवैये से उदासीनता के लिए वो कैंडल मार्च निकाल करके फिर हमने कमिश्नर साहब से हमारी टीम मिली, उनसे हमने आग्रह किए कि इस जो जांच प्रक्रिया है इसमें SHO जयपुरा और चौकी इंचार्ज चौकाघाट और CO चेतगंज की भूमिका कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी पहले ही ये इन्होंने जितना लेपापोती करना तो उस मामले को लेकर के इन्होंने किया है। तो कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन किया है कि ठीक है, हम इसे ये जांच दो है क्राइम विभाग को सौंप देते हैं, वो टीम बनाए। जी बिल्कुल, क्या लग रहा है कि अगर ये मामला जैसे आगे सॉल्व आउट नहीं होता है तो क्या रणनीति रहेगी? अभी नहीं रणनीति, हम लोग इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील, हमारा मोर्चा है, हमारा समाज है, और इस मामले को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे ये विषय हो। जी बिल्कुल, तो देखिए था रेणु गौड़ हत्याकांड मामले की पूरी जानकारी कि कहां से कैसे क्या मामला शुरू हुआ और कैसे जाके कहां तक इन्होंने कमिश्नर के तक, उसमें कुछ और बातें हैं जो आप बताना चाहेंगे? उसमें हमारी टीम थी जिसमें मैं स्वयं था, धनंजय कश्यप मेरा नाम है, मैं प्रदेश का सोशल मीडिया देखता हूं और मैं क्षेत्र के प्रभारी भी मोर्चे की दृष्टि से, और इसमें मुख्य रूप से मनोज जी हैं जो अखिल भारतीय गुंड आदिवासी संघ के जिला अध्यक्ष और क्षेत्र के महामंत्री हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है साधना गौड़ जी की, महिला के नाते हम लोगों ने उनको भी आगे किया था कि नहीं आप महिला का विषय इसको देखिए, उन्होंने बहुत मजबूती से अपने विषय को और ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको बहुत संवेदनशील होकर देखा है। उसमें जिला अध्यक्ष मनीष कालरा और राधेश्याम जो क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं और अवधेश जी हैं जो जिले के
उपाध्यक्ष हैं और विजय जी हैं, अरुण जी हैं, मतलब बहुत ऐसे नाम हैं, पूरा मोर्चा उस पीड़िता के साथ खड़ा। बिल्कुल, तो लगातार आप बने रहें खबर के साथ, लगातार हम आपको ऐसी तमाम खबरों के साथ जोड़ेंगे।